मैंने एक लीफ की शेप में डोरमेट बनाई है, जिसे मैंने बनाया है पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके। आप इसे पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी या फिर पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और ये पूरी तरीके से वॉशेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अगर आपको सिलाई मशीन से स्टिचिंग नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सुई धागे की मदद से सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीफ शेप में डोरमेट बनाने का तरीका। ये मैंने ग्रीन कलर का कॉटन का कपड़ा लिया है और ये पुराना कपड़ा है, इसलिए इसमें थोड़े जॉइंट्स लगे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ग्रीन कलर का होना चाहिए। और ये मैंने डबल कर लिया है और इसके बाद मैंने मार्किंग की है। लंबाई में मैंने 18 इंचेस रखा है और चौड़ाई में मैंने 15 इंचेस रखा है। और इसके बाद इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए 4 फोल्ड हो चुके हैं इसके। और इस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है, लीफ का शेप बनाने वाले हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है किसी भी चीज़ से और उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद ये एक लीफ की शेप में निकल कर आएगा। आप चाहें तो इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करके भी आप हार्ट शेप में ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। जैसे भी आपको आसान लगे आप इसकी कटिंग कर लीजिए। अब हमने इसकी स्टेम तैयार करनी है। तो एक ट्रायंगुलर शेप का मैंने पीस ले लिया है, ये डबल है। इसे हमने इस तरीके से लगाना है लीफ के ऊपर। तो मैं एक ट्रायंगल शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। इस ट्रायंगल की लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई इसकी मैंने 7 इंचेस रखी है। तो बस इसे रफली ड्रॉ करके कट कर लीजिए। इस तरीके से हमें लगाना है इसको लीफ के ऊपर और फाइनली इस तरह की शेप आएगी लीफ की, जैसे कि पीपल की जो पत्ती होती है उस तरीके का शेप देने वाले हैं हम इस डोरमेट को। सिंगल पीस को मैंने प्लेन सरफेस पर फैला दिया है और उसके बाद दूसरे पीस को भी इसके ऊपर सेट करना है। इसमें जॉइंट्स लगे हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आए। अगर जॉइंट्स नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कपड़े को रख सकते हैं। ये देखिए नीचे जॉइंट है और ऊपर जॉइंट है और ये बीच में इसके सीधा वाला हिस्सा है जहाँ पर जॉइंट्स नहीं है। इसे एक सार कर लीजिए और उसके बाद मैं ऑल पिंस लगा रही हूँ इसमें। कम से कम 4 कॉर्नर्स पर आप ऑल पिंस लगाइए ताकि ये जो कपड़ा है अपनी जगह से हिले नहीं। आप चाहें तो सेफ्टी पिंस भी लगा सकते हैं या फिर मोटे धागे से टांके भी लगा सकते हैं 4-5, उसके बाद ही आप सिलाई करें। और ये हमारा ट्रायंगल है जो हम स्टेम के लिए यूज करने वाले हैं, इसे भी हम सीधा सेट कर लेते हैं। ये देखिए जॉइंट्स ऊपर और नीचे आएंगे, इसमें भी जॉइंट्स हैं, इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों पीस तैयार हैं सिलने के लिए। सिलने के लिए मैं एक मोटी सुई का और ग्रीन कलर के धागे या ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो सिंपल स्टिचेस होते हैं 2 पीसेस को जॉइंट करने के लिए, उस तरीके के टांके आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से भी जॉइंट्स करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि हम नॉर्मली 2 कपड़े के पीस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से सुई को चलाना होता है इसमें। तो ये 2 तरह के स्टिचेस मैंने बताए हैं, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप इसे सिल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे आधा सिल लिया है। इसी तरीके से मैं इसे पूरा सिल लूँगी और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूँगी। ये देखिए ये तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया है थोड़ा सा, यहाँ से मैंने सिलाई नहीं की है। अब इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे इसी तरीके से यहीं से। अच्छे से इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल लीजिए और पूरी तरीके से इसकी जो शेप है वो दिखनी चाहिए। ये देखिए स्टार्टिंग में ये हार्ट की शेप में बन गया है और ये ट्रायंगुलर है, इसे भी हमने सिलाई कर ली है और एक कोना छोड़ दिया है जहाँ पर हमने सिलाई नहीं की है और वहीं से इसे भी हम सीधा कर लेंगे।
इस तरीके से। इसमें कॉर्नर्स हैं तो इसे निकालने के लिए हम सीजर्स का यूज करेंगे ताकि कॉर्नर्स अच्छी तरीके से बाहर आ जाएं। अगर आप सिलाई मशीन से स्टिचिंग कर सकते हैं तो आप इसे सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ये देखिए दोनों पीसेस तैयार हो चुके हैं, इसे रख देते हैं एक तरफ। ये मेरे पास पुरानी बेडशीट है और इसमें से इस तरीके से मैं स्ट्रिप्स के लिए कट्स लगा रही हूँ। ये हाफ़ बेडशीट है, बाकी का मैंने यूज़ कर लिया था कुछ और चीज़ बनाने के लिए, बचा हुआ पीस है। इस तरीके से आपने इसमें से स्ट्रिप्स निकालनी है और इन स्ट्रिप्स को हमने फिल करना है। ट्रायंगल शेप के कपड़े के अंदर हमने 3 स्ट्रिप्स डाल दी हैं। आप बेडशीट की जगह पर किसी भी चुन्नी को कट कर सकते हैं या कोई वेस्ट साड़ी आपके पास है उसके भी पीसेस निकाल सकते हैं। ये देखिए बची हुई स्ट्रिप्स को मैं लीफ के अंदर इस तरीके से फिल कर रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर हमने सारी स्ट्रिप्स डाल दी हैं और उसके बाद हमने इन्हें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है हाथ से, ताकि ये हर जगह से इवन हो जाए। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स आपने इसके अंदर नहीं डालनी है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने यहाँ पर हाफ बेडशीट यूज की है। अगर आप चुन्नी यूज कर रहे हैं तो आपको 2 चुन्नी इसमें लग सकती हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुका है और उसके बाद इस तरीके से दिखेगा। तो पहले हम स्टेम को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही बारीक से स्टिचेस लगा करके इसे क्लोज कर देंगे, जो इसका ओपन पार्ट है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है और इसे हमने इस तरीके से लगाना है लीफ के अंदर। और फिर से मैं ऑल पिंस लगा रही हूँ, आप सेफ्टी पिंस लगा सकते हैं 4-5, ताकि हमने इसके अंदर जो कपड़े फिल किए हैं वो अपनी जगह पर सेट रहें और जब हम इसे स्टिच करें तो वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो मैंने 4-5 जगह इनको लगा दिया है और अब मैं इसका जो डंठल है इसको सेट करने वाली हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमने दोनों साइड में ऑल पिंस लगानी है और उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से सिलाई करते वक्त आपने बहुत ही बारीक से जो टांके होते हैं उनका यूज करना है। तो ये हमने सिल लिया है एक तरफ से और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसे सिल लेंगे और साथ ही हम ऑल पिंस को हटाते जाएंगे। अब जो लीफ के अंदर लाइंस होती हैं वो ड्रॉ कर लेंगे हम। पहले हमने इन्हें ड्रॉ करना है और उसके बाद हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो इससे एक लीफ का इफ़ेक्ट भी आएगा और साथ ही इसके अंदर जो कपड़े हमने फिल किए हैं वो भी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर स्टिचेस लगा दिए हैं। एक कोने से स्टार्ट करके गोलाई में घुमाते हुए दूसरे कोने तक लेकर जाना है। बीच की लाइन मिट गई थी, इसे भी मैं बना देती हूँ और कौन से स्टिचेस लगाए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेंटर में इस तरीके से धागे का एक लूप बनाना है और लूप के अंदर से आपने सुई को निकालना है और इसे आराम से खींच दीजिए। फिर से लूप बनाइए और सुई को लूप के अंदर से निकालते हुए इसे खींचना है और थोड़े मोटे मोटे टांके आपने लगाने हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बारीक टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये एक एम्ब्रॉयडरी का टांका है, जो स्टिचेस हैं ये एम्ब्रॉयडरी में यूज किए जाते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप सिंपल टांके भी इसमें लगा सकते हैं, बस कपड़े जो इसके अंदर फिल किए हैं वो अपनी जगह पर सेट रहने चाहिए। तो सेम मैंने टांके लगाए हैं गोलाई में भी इस तरीके से। ये हमारी लीफ तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रही है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो आप बच्चों के रूम के लिए भी बना सकते हैं। और ये पूरी तरीके से वॉशेबल है और बहुत लंबे समय तक आप इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं, उसके लिए आपने
इसके अंदर बहुत कम कपड़े फिल करने हैं, ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।